नमस्कार जेसीआर के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है आज हम वर्ग पाँच के गणित के पाठ समान हर वाले भिन्नों का जोड़ अर्थात एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर अर्थात वैसे भिन्नों का जोड़ सीखेंगे जिसके हर समान हो तो उदाहरण के रूप में हम लिखते हैं तीन बटा सात जोड़ दो बटा सात इसे हमें जोड़ना है इसकी विशेषता क्या है कि इसके हर समान है यहां भी सात है और यहां भी सात है इसका एक चित्र हम लेते हैं तीन बटा सात यह सात भाग में बटा हुआ है और इसमें तीन भाग रंगा हुआ है तो यह हो गया तीन बटा सात फिर इसी के बराबर एक और हम चित्र लेते हैं ये भी सात भाग में बंटा हुआ है और इसका दो भाग रंगा हुआ है तो इसे हमें जोड़ना है तो हम लोग देखते हैं पहले चित्र में किस तरह से जोड़ सकते हैं इसको ये जो दो है इसे हम यहां से लेते हैं और यहां जोड़ते हैं तो हम क्या देख रहे हैं हमने तीन बटा सात और दो बटा सात को जोड़ दिया यहां तीन हो गया यहां दो हो गया तो कितने हो गए तीन चार पांच अर्थात ये कितने हो गए पांच और भाग कितने हैं सात तो इस साथ में ये तीन और बटा दो तीन बटा सात और दो बटा सात को हमने जोड़ा तो आ गया पांच बटा सात इसको हम इस तरह से देख रहे हैं इसमें पैटर्न क्या है हर तो वही है इसका अंश और इसका अंश ये अंश तीन है और ये अंश दो ये दोनों जुड़कर हो गए पांच इससे हमें एक पैटर्न मिलता है एक और उदाहरण हम देखते हैं सात बटा सत्रह जोड़ तीन बटा सत्रह तो हमने क्या देखा था इसमें हर समान थे तो हर तो वही रह गया ये हर वही रह गया सत्रह और दोनों के अंश यहां जुड़ गए हैं यहां भी हम दोनों के अंश जोड़ अंश जोड़ेंगे सात जोड़ तीन तो ये हो जाएंगे हमारे दस बटा सत्रह तो इस तरह से हम समान हर वाले भिन्नों को जोड़ते हैं कुछ और उदाहरण आप स्वयं लें अभ्यास के जो आपके प्रश्न है किताब में उससे ले और इसे हल करें एक और उदाहरण मैं हल कर देता हूं ये ये दो भिन्नों का जोड़ था एक बार इस बार तीन ले लेते हैं एक बटा पांच जोड़ तीन बटा पांच जोड़ एक बटा पांच तो यहां हमारा तीनों में हर क्या है पांच है यानी हर समान है तो ये हो गया पांच और ये तीनों को अंश को हम जोड़ते हैं एक जोड़ तीन जोड़ एक तो ये कितने आ गए तीन एक चार एक पांच पांच बटा पांच अर्थात पांच भाग में पांचों भाग लगे हुए हैं तो ये क्या हो गया ये पूरा एक भाग हो गया ये पूरा हो गया एक मतलब पूरा तो अब आप हमें पूरी आशा है कि आगे अन्य जो भिन्न के जोड़ हैं आपके अभ्यास में दिए हुए आप निश्चित रूप से इसे बना लेंगे अब हम देख रहे हैं समान हर वाले भिन्नों का अंतर यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर अभी हमने समान हर वाले भिन्नों का जोड़ देखा था अब इसी तरह का हम अंतर को देखते हैं यानी घटाओ फिर उसी तरह का उदाहरण लेते हैं तीन बटा सात घटाओ दो बटा सात फिर हमने चित्र लिया है इस पूरे को सात भाग में बांटा गया है और इसमें तीन भाग रंगा गया है और यहाँ इसी इसके ठीक चित्र बराबर चित्र फिर एक लेते हैं इसे भी सात भाग में बांटा गया है और दो भाग रंगा हुआ है तो इसमें से तीन बटे सात से दो बटे सात घटाना है देखिए कैसे घटाते हैं हम लोग फिर से इस जो दो भाग है इसे हम यहां लगा देते हैं तो हम देख रहे हैं तीन बटा सात था उसमें से दो बटा सात हमने घटा दिया अर्थात वो दो, दो जो बॉक्स था लाल रंग का उसे फिर हमने हटा दिया उस लाल रंग को हटा दिया तो अब कितने बचे हैं हमारे लाल रंग एक भाग तो हमारा वही है सात ये पूरा सात है एक दो तीन चार पाँच छ सात और सात में बच गया है हमारा लाल रंगा हुआ एक तो यहां हमने देखा तीन बटे सात घटाओ दो बटे सात बराबर एक बटा सात यहां फिर हम पैटर्न देख रहे हैं जोड़ की तरह हर यहां भी सात है यहां भी सात है तो हर सात हो गया और अंश में तीन है और दो है तो तीन से दो हमने घटा दिया तो एक आ गया एक और हम उदाहरण लेते हैं और स्पष्ट हो जाएगा पांच बटा सत्रह घटाओ दो बटा सत्रह तो ठीक इसी पैटर्न पर चलेंगे तो हर हमारा क्या होगा सत्रह और अंश को हम घटाएंगे पांच घटाओ दो अर्थात ये आ गया तीन बटे सत्रह तो समान हर वाले भिन्नों को हम लोग ठीक इसी तरह से घटाते हैं अब बाकी जितने प्रश्न हैं आप स्वयं बनाएं अब हम कुछ इबारती प्रश्न अर्थात वर्ड प्रॉब्लम ले रहे हैं पहला है सलीम के पास 25 कंचे हैं कंचे यानी गोलियां आप जानते होंगे कंचों का पांचवां हिस्सा एजाज के पास है अर्थात सलीम के पास जितने कंचे हैं उसका पांचवा हिस्सा एजाज के पास है तो दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं आइए देखते हैं कैसे ये हल होता है आप भी हमारे साथ साथ करें सलीम के पास कंचे तो ये हो गया पच्चीस एजाज के पास कंचे तो ये कितना होगा पच्चीस का पांचवा हिस्सा यानी एक बटा पांच यहां स्पष्ट है कि एजाज के पास कंचों का पांचवां हिस्सा है तो 25 का पांचवां हिस्सा 25 का एक बटा पांच तो हम इससे पूर्व यह सीख चुके हैं कि 25 का पांचवां हिस्सा क्या होगा फिर से एक बार थोड़ा सा इसको स्पष्ट करते हैं 25 है तो आ, ऐसे हम ले लेते हैं कंचे एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस ये पच्चीस कंचे हो गए और ये देख रहे हैं कि पांच भाग में बटे हुए हैं एक भाग दो भाग तीन भाग चार भाग पांच भाग तो एक बटा पांच यानी पांच इस पांच भाग का एक कौन सा हो गया ये हो गया कितने कंचे हो गए पांच तो पच्चीस का पांचवा हिस्सा यानी एक बटा पांच ये पांच हो गया तो दोनों के पास कुल कंचे दोनों के पास कुल कंचे तो ये हो गया पच्चीस और जोड़ पांच बराबर तीस अब एक और प्रश्न लेते हैं रानी बीस का एक चौथाई कलम खरीदने में खर्च करती है बीस रुपए उसके पास है और इसका एक चौथाई वो खर्च कर देती है अब रानी के पास कितने रुपए बचे तो फिर इसी तरह से हम देखते हैं रानी के पास कुल रुपए ये है बीस बीस रुपये रानी के पास कुल रुपये है बीस कलम खरीदने में खर्च रुपये तो यह कितना होता है बीस का रुपये बीस का चौथाई यानी एक बटा चार उसने खर्च किया तो बीस का एक बटा चार कितना होगा बीस को हम चार भाग में बांटते हैं तो कितना आ जाएगा यही हम देख लेते हैं यह हम बीस रुपये मान लेते हैं एक रुपया दो रुपया इस तरह से ये बीस रुपया चार भाग में हमने बांट दिया अब इसका एक बटा चार यानी एक भाग लेना है ये तो कितने हो गए पांच तो ये हो गए पांच रुपये रानी के पास कुल रुपए थे बीस और कलम खरीदने में खर्च रुपए हो गए पांच तो अब कितने रुपए बच गए रानी के पास बचे रुपए तो बीस उसके पास पहले से थे और खर्च हो गए पांच रुपए तो कितने आ गए पंद्रह रुपए बीस से पांच घटाएंगे तो पंद्रह ये हम जानते हैं आज जो हमने ये टॉपिक डिस्कस किया समान हर वाले भिन्नों का जोड़ मुझे पूरी आशा है कि ये इसकी पूरी अवधारणा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी अब आप अपने अभ्यास में दिए गए पुस्तक के अभ्यास में दिए हुए जो भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आप हल करें अपने शिक्षक से और प्रश्न मांगें ताकि आपका और ज्यादा अभ्यास हो धन्यवाद